नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज वाणी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ समय पहले FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून ने ग्रुप सी पोस्ट के अंतर्गत कुछ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी निकाली थी। तो इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है अभी हाल ही में FRI की वेबसाइट पर एक अपडेट जारी किया गया है। और दोस्तों, इस अपडेट में यह बताया गया है कि जो ये पोस्टें थी इनका एग्ज़ाम जो है कब होना है। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है ये नोटिफिकेशन आया है। चलिए जान लेते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में कि इस अपडेट के अंतर्गत कौन कौन सी डेट को कौन कौन सा एग्ज़ाम होना है और किस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या तैयार करना है, ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। यानी कि FRI के एग्ज़ाम यानी कि जो ग्रुप सी के पोस्ट के अंतर्गत जो आपके एग्ज़ाम होने हैं उसके सिलेबस और टाइम टेबल दोनों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम जो है कब होना है और उसका टाइमिंग क्या रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्टोर कीपर पोस्ट की। तो जो स्टोर कीपर की पोस्ट है उसका एग्ज़ाम 28 जुलाई को हो रहा है 2018 को, यानी कि इसी मंथ। और इसकी जो टाइमिंग है 4 बजे से लेके 6 बजे तक रहेगी दोपहर के समय सैटरडे को। और जो इसका स्थान है वह देहरादून में ही होगा। दोस्तों, आपके सारे एग्ज़ाम जो हैं देहरादून में ही होंगे, यानी कि जितने भी सेंटर है वो देहरादून में ही पढ़ेंगे। दोस्तों, दूसरा जो है लोअर डिवीज़न क्लर्क है और ये एग्ज़ाम आपका अगले दिन 29 जुलाई 2018 को होगा। और ये जो है आपका दोपहर से पहले 10 बजे से लेके 12 बजे तक होगा और ये आपका एग्ज़ाम संडे को होगा और देहरादून में ही होगा। तीसरा जो है आपका इसमें पोस्ट है टेक्नीशियन फील्ड की और लैब रिसर्च की। ये आपका जो इस पोस्ट का जो आपका एग्ज़ाम है ये आपका 29 जुलाई 2018 को होना है और दोपहर के 3 से 6 बजे में होगा और संडे को होगा, 29 जुलाई को 3 से 6 बजे, और ये भी देहरादून में होगा। दोस्तों, जो चौथी पोस्ट है ड्राइवरी ऑर्डिनरी ग्रेड की, ये जो एग्ज़ाम है आपका इस पोस्ट का एग्ज़ाम 30 जुलाई 2018 को होना है और यह एग्ज़ाम आपका 10 से 12 बजे के बीच होगा दिन में और देहरादून में ही जो है इसका सेंटर पड़ेगा। और पांचवी जो पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड की, ये एग्ज़ाम आपका 30 जुलाई 2018 को होना है और दोपहर के 3 बजे से 5 बजे तक होगा मंडे को। और जो वेन्यू है, जो जगह है, वो देहरादून ही रहेगी। और छठी जो पोस्ट है दोस्तों, इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। इस पोस्ट के लिए जो आपका एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ 4 अगस्त 2018 को होगा और 4 बजे से 6 बजे के बीच में होगा, यानी दोपहर के बाद होगा और शनिवार को होगा। और दोस्तों, इसकी जो जगह है ये भी देहरादून में आपका एग्ज़ाम होना है। सातवीं पोस्ट अगर देखें, यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट है। टेक्नीशियंस में दोस्तों इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, असिस्टेंट, मशीन ऑपरेटर, कारपेंटर और वेल्डर, ये सभी जो हैं टेक्नीशियन में आएंगे। और इन सभी पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम है आपका 5 अगस्त को होगा 2018 को और ये एग्ज़ाम आपका सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होगा संडे को और वेन्यू वही रहेगा, जगह देहरादून। और लास्ट जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें आपका मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल जो हैं ये आएंगे। इनका इस पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम है आपका ये 5 अगस्त 2018 को होना है और यह दोपहर 3 से शाम को 6 बजे तक आपका ये एग्ज़ाम होगा और यह एग्ज़ाम भी आपका देहरादून में होगा। तो जितने भी एग्ज़ाम हैं आपकी, जो इनकी जो वेन्यू है ये सब देहरादून में है। दोस्तों, बताया गया है इस नोटिफिकेशन में कि जो एग्जामिनेशन है यानी कि जो पोस्ट हैं 1, 2, 3, 6, 7, 8, यानी कि यहाँ पे देखिए आप स्टोर कीपर, ठीक है, 2 वाला ये लोअर डिवीज़न क्लर्क, 3 वाला ये टेक्नीशियन फील्ड एंड लैब रिसर्च, 6 वाला देखें अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ, और 7 वाला टेक्नीशियन, और 8 वाला टेक्निकल असिस्टेंट। तो ये जो आपके एग्ज़ाम है इनका जो वेन्यू है ये FRI कैंपस के आउटसाइड यानी बाहर हो सकता है और रहेगा आपका वेन्यू देहरादून में ही, लेकिन FRI सेंटर से बाहर होगा, FRI कैंपस में नहीं पढ़ सकता है। और जो चौथा और पांचवा है यानी कि ड्राइवरी ऑर्डिनरी ग्रेड और फॉरेस्ट गार्ड का जो है ये आपका FRI कैंपस में ही इसका एग्ज़ाम होगा, जो FRI का कैंपस है। और दोस्तों, जो इससे रिलेटेड एडमिट कार्ड है रिटर्न एग्ज़ाम के लिए और उसके रोल नंबर, डेट, टाइम, ये सब जो है जल्द ही वेबसाइट पर आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि इन सब पोस्टों के लिए हमें किस पोस्ट के लिए क्या पढ़ के जाना है, ठीक है, और क्या हमें तैयारी करनी है और किस प्रकार का एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, चलिए देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टोर कीपर की। तो स्टोर कीपर के लिए आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स आएगी, जनरल इंटेलिजेंसी यानी कि रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस यानी कि
करंट के क्वेश्चंस और जीएस आएगी और इंग्लिश लैंग्वेज, ये सभी सेक्शन जो हैं इन सभी सेक्शन से 25-25 नंबर के क्वेश्चन 25-25 मार्क्स के आएंगे और ये सभी क्वेश्चन 12th लेवल के होंगे और आपको 100 मार्क्स का टोटल जो है पेपर आपको मिलेगा। और इसमें जो मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है यानी जिसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे उसके लिए जनरल ओबीसी को आपको 40 नंबर लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल ओबीसी हैं, और एससी एसटी और जो विकलांग लोग हैं उनके लिए 33 नंबर पर ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। और टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे जैसे कि हमने आपको पहले बताया। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर जो है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड जो है इसके लिए, इस पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें 20 क्वेश्चन जो है आपके उसी फील्ड से आएंगे जिस फील्ड के आपकी जो आपकी पोस्ट है उसी फील्ड से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, जैसे ड्राइवर के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग यानी कि रीजनिंग आएगी 20 नंबर की, जनरल इंग्लिश आएगी 20 नंबर की, और अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित आएगी 20 नंबर की। ये सब जो जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश और अर्थमेटिक होगी ये 10th लेवल की होगी और आपके ये सभी टोटल जो आपका एग्जाम होगा 100 मार्क्स का होगा। इसमें क्वालिफाई वही है, जनरल ओबीसी के लिए 40 नंबर पे क्वालिफाई हो जाएगा और एससी एसटी और विकलांग लोगों के लिए 33 नंबर पे ये पेपर क्वालिफाई होगा और टाइमिंग आपकी 2 घंटे ही रहेगी। तीसरा एग्जाम देख लेते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, इस पोस्ट के लिए आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि आपकी जो है मैथ्स आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस और आपका क्या कहते हैं करंट आएगा इसमें, और जनरल इंटेलिजेंसी यानी कि रीजनिंग आएगी, और सभी क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और 12th लेवल का आपका एग्जाम रहेगा ये, और 100 मार्क्स के इसमें आपके क्वेश्चन आने हैं। फिर वही है, जनरल ओबीसी के लिए 40 नंबर है पासिंग मार्क्स और एससी एसटी विकलांग लोगों के लिए 33 हैं और 2 घंटे का टाइमिंग है। और चौथी जो पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड की, इसमें आपका बेसिक साइंस आएगी जो कि फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल या वन विभाग से रिलेटेड है, उसके 40 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट और जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, और ये सभी क्वेश्चन 10th लेवल के होंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा। फिर वही जनरल ओबीसी के लिए 40 मार्क, एससी एसटी और विकलांग लोगों के लिए 33 मार्क्स पे क्वालिफाई होगा और टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे रहेगी। अगली पोस्ट जो है यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है वो 25 नंबर की है, ठीक है, यानी कि रीजनिंग 25 नंबर की, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस और करंट 25 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स 25 नंबर की, और जनरल इंग्लिश आएगी 25 नंबर की, और ये 25-25 क्वेश्चन होंगे, सभी 10th लेवल के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। फिर वही जनरल ओबीसी के लिए 40 पे क्वालिफाई और एससी एसटी विकलांग के लिए 33 और 2 घंटे का आपको टाइम पीरियड इसमें दिया जाएगा। और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 मार्क जो है आपका काट लिया जाएगा जो अगर आप नेगेटिव यानी कि रॉन्ग आंसर देते हैं। चलिए अब जान लेते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टेक्नीशियन की, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, असिस्टेंट मशीन ऑपरेटर, कारपेंटर और वेल्डर आएंगे। तो इन पोस्टों के लिए जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनको 20 क्वेश्चन उनकी फील्ड से, यानी कि जो टेक्नीशियन है वो टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन फील्ड से क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन, अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित 20 नंबर की, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग 20 नंबर की रीजनिंग, और 20 नंबर की जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस और करंट, और 20 नंबर की इंग्लिश आएगी, और 10th लेवल के ये सारे जो हैं लेवल का एग्ज़ाम रहेगा और 100 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन हैं आने हैं और 3 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम पीरियड दिया जाएगा। अगला जो है यहाँ पे दिया है टेक्नीशियन, जो फील्ड और लैब रिसर्च है उसके लिए आपको बेसिक साइंस आएगी यानी कि जो साइंस के जो बेसिक होते हैं बिल्कुल उसका जो है 20 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक आएगी यानी कि अंकगणित, मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग आएगी आपकी 20 नंबर की, और करंट आएगी, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की और जीएस भी, और जनरल इंग्लिश आएगी 20 नंबर की। तो ये सभी 12th लेवल के होंगे और ये जो हैं आपके 100 मार्क्स और आपको यहाँ पे 3 घंटे जो है दिया जाएगा टाइम पीरियड। अगला है टेक्निकल असिस्टेंट, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल तीनों तरह के जो हैं टेक्निकल असिस्टेंट हैं उनके लिए जो सिलेबस है वो 40 क्वेश्चन जो हैं ग्रेजुएट लेवल के होंगे, उनकी जो उनका सब्जेक्ट है उनकी रेटिव फील्ड है 40 मार्क्स के, और अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, जनरल रीजनिंग और अवेयरनेस यानी कि जीके और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन 12th लेवल के और 20 मार्क्स के, और इंग्लिश और जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के 20 मार्क्स के 12th लेवल के, और 100 नंबर का पेपर होगा और इनमें आपको 3 घंटे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो रहा सिलेबस टेक्निकल पोस्ट के लिए,
और आपके 100 मार्क्स के सारे पेपर होने हैं, और टेक्निकल पोस्ट के लिए जो भी आपके एग्ज़ाम है वो सब 3 घंटे के आपके एग्ज़ाम होंगे। और दोस्तों जब आप इस पेपर को देंगे उसके बाद आपको सही आंसर पे 1 मार्क्स दिया जाएगा और गलत उत्तर पे आपका 1/3 मार्क्स जो है आपका काट लिया जाएगा। दोस्तों अगर बात करें कि इन टेक्निकल पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम, तो दोस्तों यहाँ पे दिया है कि 50% टोटल मार्क्स का 50% आपको लाना है, ठीक है, जनरल के लिए। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हैं तब आपको 40% पे आपका क्वालिफाई हो जाएगा। यानी अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर पे जनरल क्वालिफाई होगा और 40 नंबर पे एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट जो है क्वालिफाई माना जाएगा। अगर इसमें कोई विकलांग है, जनरल में कोई विकलांग है तो उनका 45% पे क्वालिफाई होगा, और एससी एसटी ओबीसी में कोई विकलांग लोग हैं तो उसका 40% पे ये पेपर जो है क्वालिफाई होंगे टेक्निकल पोस्ट के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसमें लिखा हुआ है आप चेक कर लीजिएगा, और लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब का आपको दे देंगे। और दोस्तों इसमें यहाँ पे लिखा है कि जो सेकंड और थर्ड है, यानी ये टेक्निकल फील्ड एंड लैब रिसर्च, और थर्ड टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल सिविल और मैकेनिकल का, इसमें जो इन्होंने कहा है कि इसमें आपको स्किल और ट्रेड टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, इसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगी रिटर्न एग्जाम के अकॉर्डिंग, जिसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उसको फिर स्किल और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। और इस पोस्ट में आपका जो है अगर आप क्वालिफाई कर देते हो, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तब आप इसमें जो है पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो दोस्तों ये था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI देहरादून द्वारा ग्रुप सी के अंतर्गत कराए जा रहे टेक्निकल्स और नॉन टेक्निकल्स पोस्ट का सिलेबस और उनके रिटर्न एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड कुछ अपडेट जो हमें लगा इम्पोर्टेंट है आपको बताना चाहिए। तो आप इन सिलेबस का जो है पूरा ध्यान रखिएगा, और दोस्तों इनका डाउनलोड लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे देंगे, आप वहाँ से इनको डाउनलोड करके ढंग से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों हो सके तो आप जो है इन ग्रुप सी से रिलेटेड जो हैं जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि उम्मीद है और चांस भी है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो हैं आपके इन सब एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और पेपर ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होगा, आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही जो है इसमें पेपर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल नॉलेज वाणी को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों आप मिलेंगे हम दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, थैंक्स फॉर वॉचिंग।